हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकवी ब्लॉगर में। सो फाइनली दोस्तों आज मेरे सामने प्रेजेंट हो गई है होंडा की 125 सीसी के सेगमेंट में आने वाली एक प्रीमियम कैटेगरी की बाइक जो कि है होंडा शाइन 125 एंड जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 77,800 रुपये के अप्रॉक्स में। एंड ये 2023 का न्यू वेरियंट है जो कि OBD फेज 2 के साथ में अपडेट होकर आ गया है, जिसमें आप लोगों को E20 की बैजिंग देखने को मिलती है एंड इंजन के साथ में E20 जो कि अपडेट कर दिया गया वो देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ एंड आप लोगों को बताने वाला हूँ इस बाइक के 2023 के कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, देन प्राइस क्या होने वाला है एंड ऐसी कौन सी खूबी है इस बाइक के अंदर जिसकी वजह से आप लोगों को इस बाइक की तरफ जाना चाहिए, वो सभी कुछ बारीकी से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल लुक से जो कि आपको बहुत ही मस्कुलर से देखने को मिलता है, प्रीमियम लुक के साथ में आता है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस सिग्नेचर हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आती है। विजिबिलिटी आपको नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी एंड साइड्स में भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। एंड ऊपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है जिससे प्रीमियम लुक प्रेजेंट होता है। होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको विंडशील्ड देखने को मिलती है जो कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड फिनिशिंग के साथ में आती है। साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि टोटली अपडेट कर दिए हैं, जिससे जो साइड का प्रोफाइल रहता है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आता है। इंडिकेटर्स आपको नॉन फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, हेलोजन बेस है एंड यहाँ पर नंबर प्लेट का स्पेस है। फ्रंट का जो व्हील फेंडर वो सिंगल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉलिड सा यूज किया गया है। बैक से भी मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस प्रकार का है एंड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं राइट लेफ्ट में। ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है फ्रंट का प्रोफाइल। तो चलिए चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप लोगों को बहुत ही मस्कुलर से लुक देखने को मिल जाएंगे। टैंक की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में होंडा का लोगो देखने को मिलता है एंड नीचे साइड में आपको पूरी ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि टोटली अपडेट कर दिए हैं। उसी के नीचे आपको क्रोम विद मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर देखने को मिल जाता है। 125 की बैजिंग है, ग्राफिक्स है। बैक साइड में देखेंगे शाइन की बैजिंग देखने को मिलती है ग्राफिक्स के साथ में एंड थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो ESP की बैजिंग देखने को मिलती है जो कि इंजन के साथ में कंपनी यूज करती है होंडा की सभी बाइक्स में। सो कुछ इस प्रकार का पूरा सेट का प्रोफाइल जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इस बाइक में आपको एक्सेसरीज के भी कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आ जाता हूं रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर से भी आप लोगों को सेम ओल्ड मॉडल के जैसे पूरे लुक्स देखने को मिल जाएंगे। टेल लाइट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको होंडा का स्टिकर देखने को मिलता है। टेल लाइट आपको हेलोजन बेस देखने को मिलती है, वही क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में आती है। विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी, डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है। रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, सेम फ्रंट के जैसे इंडिकेटर यूनिट देखने को मिलती है, हेलोजन बेस है। नंबर प्लेट का स्पेस है, रियर का पूरा व्हील फेंडर देखने को मिल जाएगा। फाइबर बॉडी के साथ में मैट ब्लैक टेक्सचर को यूज किया गया, सॉलिड सा देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का रियर का प्रोफाइल। सेकंड साइड प्रोफाइल भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं यूज किए गए हैं। ओवरऑल दोस्तों पूरा प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दिया जो कि बहुत ही अच्छा है एंड अब चलते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की तरफ। तो इस बाइक में अभी भी आप लोगों को एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है जो कि न्यू फीचर्स फंक्शंस के साथ में आता है, टोटली अपडेट कर दिया गया है। माफ कीजिएगा इस बाइक में बैटरी कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको मीटर कंसोल ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा। एक बार मैं आपको चाबी दिखा दूं तो फिजिकल की देखने को मिलती है, होंडा की ब्रांडिंग है, डुअल की के साथ में आती है। तो फिर से मैं इसको लगा देता हूं एंड नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी हैंडल बार पर। मीटर कंसोल के बीच में आपको शाइन की बैजिंग देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, मैक्स स्पीड है 140 की। KM का इग्निशन है, मिडल में देखेंगे इंडिकेटर पासिंग का इग्निशन देखने को मिलता है। राइट साइड में फ्यूल इग्निशन देखने को मिलता है, न्यूट्रल साइड स्टैंड एंड इंजन मालफंक्शन लाइट देखने को मिल जाएगी। एंड हैंडल बार की बात करें तो क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में आता है, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर पासिंग का स्विच है, नीचे इंडिकेटर, हॉर्न, एक अच्छी सी ग्रिपिंग देखने को मिलती है जो कि एक्सेसरीज के तौर पर यूज़ की गई है होंडा की। एंड ये आपको मिरर देखने को मिलते हैं डुअल जो कि स्पोर्टी शॉर्ट मिरर के साथ में आते हैं एंड ये राइट साइड का मिरर है। नीचे देखेंगे तो इंजन का स्विच विद सेल्फ स्विच अटैच देखने को मिलता है, एक ग्रिपिंग यहाँ पे भी आपको अच्छे से देखने को मिलती है एक्सेसरीज वाली। एंड इस बाइक में आप लोगों को 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है जो कि बहुत ही वाइल्ड यूज़ किया गया है। फ्यूल कैप आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाएगा ओपनर वाला एंड टैंक पे ही आपको E20 की बैजिंग देखने को मिलती है जो कि OBD फेस 2 के साथ में अपडेट कर दी गई है। सीट की बात करें तो सिंगल सीट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट है राइडर एंड पिलियन की, जिसके ऊपर आपको कवरिंग देखने को मिलती है एंड शाइन की बैजिंग यूज़ की गई है, एक एक्सेसरीज का पार्ट है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने पर। ग्रैब हैंडल्स आप लोगों को बॉडी कलर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आते हैं। ओवरऑल दोस्तों सीट कंफर्ट स्विचेस क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल सा मीटर कंसोल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। एंड अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आप लोगों को 123.9 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो कि आता है 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ में आता है जो कि E20 OBD फेस 2 के साथ में टोटली अपडेट कर दिया गया है, जिसकी मैक्स पावर है 10.5 न्यूटन मीटर की एंड जो मैक्स टॉर्क है वो है 11 न्यूटन मीटर की। दोनों मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही स्मूथ शिफ्ट करता है गियर को। एंड यहाँ पर आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में है। सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। सेकंड साइड चलते हैं इंजन की प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है, सेल्फ एंड किक दोनों का ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे साइड में रियर के ब्रेक लीवर देखने को मिलेंगे, एग्जॉस्ट कैटलेटर देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में आप देखेंगे तो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि मॉडिफाई कर दिया गया है एंड ये बहुत ही अच्छी स्मूदी वॉइस के साथ में आता है। क्रोम फिनिशिंग का आपको काउल देखने को मिलता है जिससे एक प्रीमियम लुक आता है साइड्स का देखने पर। ओवरऑल दोस्तों इंजन आप लोगों को एक अच्छा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे माइलेज के साथ में आता है। पिकअप भी अच्छी देखने को मिल जाएगी।
तो चलिए अब चलते हैं इस बाइक के फ्रंट में और बात करते हैं ब्रेकिंग पावर को लेकर, क्योंकि आपको ब्रेकिंग पावर भी अच्छी देखने को मिलती है। फ्रंट में आप लोगों को 130 की ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है जो कि CBS टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, बहुत ही अच्छी से ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है राइडिंग के टाइम पर। एंड फ्रंट में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल रहते हैं। डुअल रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड रियर में जो सस्पेंशन यूज़ किया गया वो है हाइड्रोलिक टाइप के स्प्रिंग वाले हैं, ये भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सस्पेंशन रहते हैं राइडिंग के टाइम पर। एंड रियर में भी आप लोगों को 130 की ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है, सेम CBS टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल दोस्तों ब्रेकिंग पावर और सस्पेंशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, कंफर्टेबली पोजीशन के साथ में आते हैं। एंड अब चलते हैं फिर से इस बाइक के फ्रंट में और बात करते हैं टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। तो फ्रंट में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं जो कि आते हैं TVS की तरफ से, जिनका टायर साइज है फ्रंट का 80x100 18 इंचेस मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में। जैसे कि आप देख रहे हैं व्हील्स कितने अच्छे लग रहे हैं, इसको आप मॉडिफाई भी करवा सकते हैं बाद में। एंड जो टायर की पोजीशन है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है ग्रिपिंग के साथ में। रियर में भी आप लोगों को सेम TVS के ही ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं जिनका सेम साइज़ है 80x100 18 इंचेस मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हील्स आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर व्हील्स में। एंड ग्रिपिंग पावर भी आप लोगों को सेम ही देखने को मिल जाएगी टायर की। एंड यहाँ पर आपको सिंगल फुट स्ट्रैप देखने को मिलता है राइट साइड में। लेफ्ट साइड से आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको फुल फेयरिंग साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है। लॉन्ग फुट पैड के साथ में फाइबर बॉडी को यूज़ किया गया है। एंड यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हैं, की का प्लेसमेंट है। एंड पूरी चैन कवरिंग के साथ में आती है जो कि फायर बॉडी की यूज़ की गई है। लेफ्ट साइड का सिंगल फुट स्ट्रैप है। एंड इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का सिस्टम देखने को मिलता है जो कि 2022 से सभी बाइकों में इंक्लूड कर दिया था। ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है चारों तरफ का प्रोफाइल एंड वॉकर ऑन ब्लॉक। एंड अब मैं आप लोगों को इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बता दूं जो कि है 92,600 रुपये के अप्रॉक्स में। एक्सशोरूम प्राइस मैंने पहले भी आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं, वो है 77,800 रुपये के अप्रॉक्स में। माइलेज की बात करें तो 55 से 60 KMPL का माइलेज आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली है बाइक। ओवरऑल दोस्तों पूरी बाइक बहुत ही ज़बरदस्त है एंड बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में आती है। आप ग्राफिक्स देख ही रहे कितने प्रीमियम कैटेगरी के हैं, 125cc के सेगमेंट में बहुत ही जबरदस्त बाइक है। सो आई होप आप लोगों को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।